गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवि जाखड़ ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? और अभी टाइम हुआ है 8:30 का। मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ शॉप पे जाने के लिए। अभी बस खाना बाकी है। और कनक मेरे को वहाँ खड़ी थी, वो भाग गई। कनक यहाँ, कनक जब कैमरा ऑन नहीं था तो मेरे पास ही थी और मैंने ऑन करते ही भाग गई। मैं अपनी शॉप पे पहुँच चुका हूँ और मैंने सारी साफ सफाई भी कर ली है। बिल्कुल क्लीन तो नहीं है लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की साफ हो चुका है। और आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं है और शायद बारिश भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम। ये देखो एकदम बढ़िया ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ पे एक दिन छोड़ एक दिन लगभग बारिश आती जा रही है। कल नहीं आई, परसों आई थी तो इस तरह से, कल नहीं आई तो आज आ सकती है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं क्या होता है आज। और अभी टाइम हुआ है 10:30, तो लोग अपने आवागमन पे पूरा है क्योंकि गर्मी कम है तो घूम रहे इधर उधर। भीड़ भाड़ ठीक ठाक है, उन लोग हो रहा है, खुल रहा है, लेकिन फिर भी मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा कुछ इंटरेस्टिंग होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ बात यह है कि आप लोग भी काफ़ी ब्लॉग देखते होंगे और मैं भी देखता हूँ। सबसे पहले जब भी ब्लॉगर अपना कैमरा उठाता तो यही बोलता है सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग, और उसके बाद जब भी कैमरा उठ बोलता है अभी दोपहर के इतने बजे हैं, शाम के इतने बजे हैं, ऐसा सब कुछ। वो क्यों बोलता है? क्योंकि बोलने का कुछ होता ही नहीं है, वैसे एक फ्लो बन जाता है ये बोलने के बाद कि इतना टाइम हो, उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है वो। तो आप लोगों नोटिस करना इस बात को, लगभग वो लोग टाइम बताते हैं, उनका टाइम आपसे बताने का मतलब शायद नहीं होता है, वो यही बताना चाहते हैं, उनका फ्लो बन जाता है टाइम बताने के बाद। तो दोपहर हो गया है और मैं खाना खाने के लिए घर आ चुका हूँ और पार्थ इसको चला रहा था और दीदी ने कर दी पार्थ की बेइज्जती ज़बरदस्त वाली। और अब देखो इसको गुस्सा आ रहा है, पार्थ की हो गई बेइज्जती। ये देखो कैसे कर रहा है, अब और ज़्यादा हो रही है ये फायदा, और ज़्यादा हो रही है बेइज्जती है कि हो रही आज तो मजे आ गए। पार्थ बेचार रोने का मन कर, जैसे कैमरा ऑन किया तब हंसने लगा। देखा इसको मुँह देखो दिख रहा है, और इसको फिर छेड़ता है जिद्दी, फिर धमकाएगी धमका जी बस तो पारना पड़ने वाली दिख रही है ना, मिनर लिया पारना पड़ेगा। तो मेरे लिए अंदर खाना बन रहा है, इसमें सलाद के लिए नहीं बन रहा तो, और मैं खाऊंगा खाना थोड़ी देर में। क्या टाइम हो गया? 1:30 बज गए भाई। तो चलो ठीक है फिर खाना खा लेते हैं। और आज एक साथ एक गड़बड़ और हो गई, साइलेंसर नहीं, बाइक का साइलेंसर टूट गया, टूट गया, एक नट टूट गया और साइलेंसर लटक गया रास्ते में ही दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। खाने में किसकी सब्जी? मैं त्योरू की, त्योरू की सब्जी बनाई है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, जोर ले तू। भाई ने फिलहाल वही चला रखा है। हाय हाय कनक आए कर, और तेज रहने के लिहाज से ये जगह काफी चुनौती भरी है, इसलिए यहाँ रहने वाले जीव भी बिल्कुल अलग। तो मैं अब जा रहा हूँ अपनी शॉप पे, दोपहर का खाना खा लिया, 3 बज चुके हैं। और देखो ये बाइक का ना साइलेंसर टूट गया। हाँ एक मिनट, टूट क्या गया इसका? ये जो नट होता है इसमें, नट में टाइट कर रहा था इसके अंदर ही टूट गया और ये लग नहीं रहा था, ये पत्ती छोटी थी। तो आज ये बाइक लेके नहीं जाऊँगा मैं, अपनी जो दूसरी अंदर खड़ी वो लेके जाऊँगा, इसको कल ठीक कराएंगे। और इसको धूप आ गई, छाया में कौन खड़ी करेगा? चलो मैं ही कर देता हूँ छाया में खड़ी, पहले उसको निकाल लेते हैं फिर जाएंगे। सो तो भाई मैं तो इस बाइक को चला ही नहीं पा रहा, पता नहीं कैसी चल रही है ये। देखो लगभग मैं इसको 3 महीने बाद चला रहा हूँ, तो कभी इधर भाग रही है कभी उधर, बैलेंस नहीं बन पा रहा। बीच में मैंने एक बार भी नहीं चलाई ये बाइक, आज ही चला रहा हूँ बस उस साइलेंसर की वजह से। कल उसको ठीक करवा लेंगे, बड़ी अजीब सी लग रही चलाते। तो चलो अब मैं चलता हूँ
अपनी शॉप पे, क्योंकि दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, शाम को 6:30 तक रहेंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर आ जाऊँगा घर वापस। 2 hours later. तो गाइस अभी शाम के बजे हैं 7 और मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे को किसी को केक देना था, वो बंदा लेट आया और अभी अभी मैं घर पहुँचा हूँ। मैंने कपड़े चेंज नहीं किया, मैं नहाऊँगा सीधा सीधा बाथरूम में जाके नहाने की तैयारी करूँगा। और हमारे पीछे आपको आवाज़ आ रही होंगी, अंदर तो चक्की चल रही है, आटा पिसाई हो रही है और बाहर जो भैंस हमारी वहाँ से वहाँ बांध रहे हैं, तो जब एक दो भैंस चली जाती है तो बची हुई ऐसी आवाज़ करती हैं। जो भैंस रखते हैं उनको पता है मोस्टली ऐसा होता है। देखो कैसे कर रही है भैंस, क्योंकि वहाँ पे जाली में से दिखाई दे रहा होगा, मेरी माँ ने उन भैंसों को वहाँ से वहाँ बांध दिया, तो ये बची हुई ऐसे बोल रही हैं। तो चलो ठीक है, मैंने चाय नहीं पी है आज, आज क्या 2 दिन से मैंने पी नहीं चाय, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ घर पे आने पे, तो जल्दी आ गया, तो अब मैं नहा करके और फिर चाय। फाइनली गाइस मैं नहा चुका हूँ और अब मैं चाय पीऊँगा, देखते हैं बच्चे और जीजी क्या कर रहे हैं। और मेरी माँ भी है, ये देखो सारे यहीं पे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं नहीं देख पाता टीवी, तो साई बाबा आया टीवी में, ये देखो के खा रही कनक, कनक चने खा रही है। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ चाय पीने के लिए तैयार, मैं भी थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। है कनक हाय बोल, हाय बोलिए, तो नाय ना बोली, बहुत दिन होगा, बोलिए हाय बोलिए, बोल दे हाय। हैं कतरा लग गया भाई, क्या पढ़ ली तेने, हैं लग गई फिर कैसे, मतलब तेरे भाई क्या पढ़ ली, कैसे कैसे पढ़ी, न्यू पढ़ी बता अभी, हाँ कैसे पार्टी, कैसे पार्टी बताइए। चाय पी लेते हैं फिर, है पिएगी चाय, पिएगी आज खाने बनाया है दलिया, ये देखो दलिया में गाल रखा है, ये मेरे को सो कमी डाली मेरे भी ठीक। और कनक सारे घी डाल डाल खा रहे हैं, शक्कर डाल के भाई, घी शक्कर दलिया हम तो ये है मेरा, इसमें ये घी रहती है और डालें शक्कर कम है। तो भाई हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिया है सबने, और मैं आ गया हूँ आज छत पे जल्दी, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 9 बजे हैं, तो आज मैं जल्दी आ गया था। तो आज जो भी दिन मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मैंने किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।